बिग बॉस चाहे कोई भी हो, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल बिग बॉस हो, हिंदी बिग बॉस हो, ओटीटी हो, जब भी आने वाला होता है तो कई सारे स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। कंटेस्टेंट्स के नामों की लिस्ट जो है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। ऐसे में कुछ लोग क्लैरिफाई कर देते हैं, कुछ लोग क्लैरिफाई नहीं करते हैं। कुछ लोगों के नाम कई सालों से आ रहे होते हैं लेकिन वो आते नहीं हैं, और कुछ लोगों के नाम जो किसी ने सोचे भी नहीं होते वो अचानक से बिग बॉस में दस्तक दे जाते हैं। इस वक्त एक ऐसा नाम है आदित्य नारायण का। जी हाँ, आदित्य नारायण वो शख्स हैं जिन्हें आपने कई रियलिटी शोज में देखा है, खतरों के खिलाड़ी में भी देख चुके हैं, खतरा 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 में भी देख चुके हैं। सो आदित्य नारायण को लेकर ये बातें सामने आ रही हैं कि वो बहुत जल्द हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जी हाँ, यानी कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में नजर आ सकते हैं। बट इन सभी खबरों को आदित्य ने सामने आकर टैकल किया है और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बकायदा एक लंबा नोट लिखा है, एक पूरा स्टेटमेंट जारी किया है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ ज्योति नाहा। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के लिए आदित्य नारायण कहते हैं, लेट मी मेक दिस सुपर ईजी फॉर एवरीवन। खतरों के खिलाड़ी वॉज एंड विल बी द ओनली रियलिटी शो वेयर यू एवर वॉच मी पार्टिसिपेट। यानी कि वो इकलौता रियलिटी शो है जहां आप मुझे देख रहे हैं, देखा था आपने मुझे पार्टिसिपेट करते हुए। इसके बाद अब मैं कभी किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। इट वॉज अ सुप्रीमली एनरिचिंग वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दैट आई विल चेरिश फॉर एवर। बेस्ट विशेस टू बिग बॉस ओटीटी फॉर देयर न्यू सीजन। जी हाँ, यानी कि उन्होंने ओटीटी कंटेस्टेंट्स को बेस्ट विशेस दे दी अपनी तरफ से और कह दिया कि मेरी तरफ से आप सभी को बधाइयाँ और कंग्रेचुलेशंस जो भी पार्टिसिपेट करें, एंड ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से भैया। लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं तो पार्टिसिपेट करने से रहा। सो अपनी तरफ से उन्होंने सामने आकर क्लैरिफिकेशन खुद दे दिया है और कह दिया है कि खतरों के खिलाड़ी जो मैंने पार्टिसिपेट किया था वो आखिरी था, पहला और आखिरी था जब मैंने कहीं पार्टिसिपेट किया था रियलिटी शो में। इसके अलावा आप मुझे कहीं पार्टिसिपेट करते नहीं देखने वाले हैं। सो ये अपने आप में एक क्लैरिफिकेशन आप मान के चलिए। लेकिन देखिए, ये वक्त जो है, एज दे से नेवर, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बहुत लंबा अरसा था जब राहुल वैद्य कहते थे कि मैं कभी किसी रियलिटी शो में नहीं आऊँगा, बट वो बिग बॉस 14 में आए, उनकी किस्मत पलट गई। वैसे ही काफ़ी हद तक कई और सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे टीना दत्ता ने कहा था, हमेशा वो कहती थी मैं कभी बिग बॉस में नहीं जाऊँगी। रश्मि देसाई कहती थी मैं कभी नहीं जाऊँगी। बट जब होना होता है तभी होता है, कोई कुछ भी कर ले। सो आदित्य नारायण के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको आदित्य नारायण पसंद है या नहीं? और उसी के साथ साथ क्या आप चाहते थे उन्हें सीजन में देखना या नहीं, बताइएगा।